Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Arslan on the behalf of the Film Academy. I am going to tell you something about chemistry. Today our topic is pairing scheme of the chemistry and introduction of the chemistry. So, hum apna lecture start karte hain. First of all, hum discuss karte hain pairing scheme ke bare mein jo 9th class ke paper mein follow hoti hai. ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो बोर्ड का पेपर होता है 9th क्लास का, उसके तीन सेक्शन होते हैं. सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3. सेक्शन 1 के अंदर हमें जो चीज आती है वो आती है एमसीक्यूज. सेक्शन 2 के अंदर हमें जो चीज आती है वो होती है शॉर्ट क्वेश्चन. सेक्शन नंबर 3 के अंदर जो चीज आती है वो है लॉन्ग क्वेश्चन. तो पहले एमसीक्यूज के बारे में बात करते हैं, सेक्शन 1 के बारे में. सेक्शन 1 के अंदर जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 12 एमसीक्यूज होते हैं. चैप्टर नंबर 1 में से 8 एमसीक्यूज आता है, 2 में से 1 एमसीक्यूज आता है, 3 में से 2 एमसीक्यूज आते हैं, 4 में से भी 2 एमसीक्यूज आते हैं, 6 में से भी 2 एमसीक्यूज आते हैं और 7 और 8 दोनों में से एक एक एमसीक्यूज हमें पेपर के अंदर आता है. टोटल 12 एमसीक्यूज बनते हैं और मोस्टली ये जो एमसीक्यूज हैं ये एक्सरसाइज के एमसीक्यूज में से ही ले लिए जाते हैं. ठीक है, आगे हम बात करते हैं सेक्शन 2 की. सेक्शन 2 के अंदर हमारे पास तीन क्वेश्चन होते हैं फर्दर जो एमसीक्यू से आगे स्टार्ट होते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 इन्वॉल्व होते हैं. मैं फिर से रिपीट करता हूं इस बात को कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 रिपीट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और इसके अंदर टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं. हमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं. उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को. क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 इन्वॉल्व होते हैं. इनके अंदर भी हमने 8 आउट ऑफ 8 में से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 इन्वॉल्व होते हैं. इन दोनों में से 4-4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं. इस लिहाज से ये दोनों चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर सबसे ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन का जो मार्जिन है वो इन्हीं चैप्टर्स में से आता है, इसलिए इनको अच्छे तरीके से तैयार करना. ठीक हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 3 की. तो सेक्शन 3 के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी सेम शॉर्ट क्वेश्चन की तरह तीन सवाल है. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके दो पार्ट होते हैं. पहला पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से आता है और दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से आता है. जो पहला पार्ट है ए जो है वो 5 नंबर का होता है और जो 2 जो है वो 4 नंबर का होता है. उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की. क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चैप्टर नंबर 4 और 5 में से आता है और ए पार्ट इसके अंदर भी 5 नंबर का और बी पार्ट इसके अंदर भी 4 नंबर का होता है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 इन्वॉल्व होते हैं. चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 इन्वॉल्व होते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट बात है हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से कि चैप्टर नंबर 3 और 8 में से याद रखने की बच्चों की बात. चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 8 में से हमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना. तो हमारा ये जो है हमारे आज के टॉपिक का फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हुआ. अब हम सेकंड सेक्शन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री. तो बच्चों हमारा जो आज के टॉपिक का जो सेकंड पोर्शन था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री. इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री हम देखने से पहले केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी बैकग्राउंड में क्या है. इसके बैकग्राउंड आप सारे बच्चों ने साइंस की बुक जो है वो 8th क्लास में पढ़ी हुई थी और उन्होंने पढ़ा 8th क्लास के अंदर जो साइंस है वो नेचर की स्टडी है और कुदरत की बनाई हुई सारी चीजों की स्टडी है. ठीक है, तो स्टडी ऑफ नेचर को बेसिकली हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं. ठीक है, साइंस के आगे जो है फर्दर जब नॉलेज इसका इंक्रीज होता चला गया, बढ़ता चला गया, तो हमने साइंस को डिवाइड कर दिया इनटू फर्दर डिफरेंट क्लासेस. हमने साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर तकसीम कर दिया. जो मेजर ब्रांचेस हैं साइंस की वो कौन कौन सी है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है. तो अब हमारे हम अपने टॉपिक की तरफ आए हैं केमिस्ट्री के बैकग्राउंड को देखने के बाद कि केमिस्ट्री किसकी शाख है. हमें पता चला कि केमिस्ट्री साइंस की एक शाख है. अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं केमिस्ट्री की क्यों क्या है. केमिस्ट्री साइंस की एक शाख है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, चार चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं. किसकी, मैटर.
ठीक है बेटा, ये बात याद रखनी है आपने कि हमने केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किस चीज को करना है, मैटर को करना है। हमने किस चीज को डिस्कस करना है, मैटर को। मैं फिर से रिपीट करता हूँ तीसरी दफा, हमने किस चीज को डिस्कस करना है केमिस्ट्री में, मैटर को डिस्कस करना है। ठीक है, और जो मैटर है उसके मुतालिक हम चार चीजों को डिस्कस करते हैं। पहली जो चीज है वो क्या है, कंपोजिशन, जिसको हम बनावट भी कहते हैं। दूसरी जो चीज है वो क्या है, स्ट्रक्चर, जिसको हम साफ्ट भी कहते हैं। तीसरी जो चीज है वो है प्रॉपर्टीज, जिसको हम खसूसियात कहते हैं। चौथी चीज जो है वो ये है कि केमिकल रिएक्शंस, कि आया कि जो हमारे पास मैटर है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसमें कौन कौन से रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं केमिकली। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये हम केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं किसी भी मैटर की। तो अब क्वेश्चन ये जो है ना वो राइज होता है कि हमारे पास मैटर क्या चीज है। ठीक है, मैटर की डेफिनेशन भी बच्चों आप लोगों ने 8th क्लास के अंदर पढ़ी हुई है कि हर वो चीज जो क्या रखती है, वजन रखती है और जगह घेरती है। ठीक है, हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है उसको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव अ वेट इज नोन एज मैटर। ओके, आज का हमारा जो सेक्शन था, आज का हमारा टॉपिक थे पेरिंग स्कीम ऑफ द केमिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द केमिस्ट्री, वो क्लियर हुआ। तो हम जो है आज शुक्रिया आप लोगों का सुनने के लिए और अल्लाह हाफिज़।